हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्याशंकर एजुकेशन पोर्टल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिस्टोरियोग्राफी ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, जो कि क्लास टेंथ का हिस्ट्री सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर है। तो स्टूडेंट्स, आज इसे स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि आप अपना टेक्स्ट बुक और नोटबुक अपने साथ रखिए, ताकि जो इसके अंदर मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है उसे आपको नोट करने में आसानी हो। स्टूडेंट, इसके अंदर मैंने सिर्फ जो हमारे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं मैंने उन्हें ही कवर किए हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के आंसर्स को मैंने इसमें पॉइंट वाइज बताया है और उसे ही मैंने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि जितने क्वेश्चंस हैं वे सबके सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसलिए टेक्स्ट बुक को कवर करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो हम स्टार्ट करेंगे, पहले तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था उसमें फिलिप्स को छोड़ के हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, यानी गिव रीजन से। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ इट्स रीजन। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राइटिंग ऑफ द रीजनल हिस्ट्री रिसीव्ड अ मोमेंटम। इसका रीजन लिखना है हमें, तो इसके बारे में हम पहले समझते हैं। जो इंडियन हिस्टोरियंस थे उन्होंने जो भी लिखा था, मतलब जो ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम से जो भी पढ़ के आए थे, जो भी इंडियन हिस्टोरियन, उन्होंने एंशेंट हिस्ट्री के बारे में लिखा था। उसमें उन्होंने एंशेंट इंडिया के प्राइड के बारे में, उनके ग्लोरी के बारे में उन्होंने अपने राइटिंग्स में लिखा था, जो कि अभी इस समय इंडियन रीडर्स उसे पढ़ते हैं। और जो नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी था उसकी वजह से जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था उसे समझने में आसानी हुआ, यानी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जो इंडियन पीपल ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट किया था, जैसे कि जो भी उस समय जितने भी क्रांतिकारी थे जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ा था, उसके बारे में उसे समझने में आसानी मिला, यानी उसे बोला जाता है नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी। नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी मतलब कि पर्टिकुलर कंट्री के बारे में। और इसके लिए, मतलब ये नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी के फेवर में एक बुक भी लिखा गया है, जिसका नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जिसे विनायक दामोदर सावरकर ने भी लिखा है। और इसमें इंडिपेंडेंस इंडिया के बारे में, इंडिपेंडेंस के लिए इंडियन पीपल ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जितनी भी मूवमेंट की, जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, उसमें इसमें इम्पोर्टेंस दिया गया है। फिर जो विष्णु शास्त्री चिपलुंकर थे उन्होंने उस समय जो ब्रिटिश ऑफिसर ने एंशेंट इंडिया के बारे में जो हिस्ट्री लिखी थी उसका अपोज किया, और उन्होंने ये अपोज जब उन्होंने नेशनलिस्टिक राइटिंग्स को पढ़ा, नेशनलिस्टिक हिस्ट्री को पढ़ा जो महाराष्ट्र में लिखा गया था, उसको पढ़ने के बाद उन्होंने जो ब्रिटिशर्स लोग ने हिस्ट्री लिखा था इंडिया का, उसका अपोज किया उन्होंने। उन्हें जब पता चला कि ये पूरी तरह से राइट नहीं है, तब उन्होंने उसका अपोज किया। जो नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी है उसके वजह से बहुत सारे हिस्ट्रीज हमें समझ में आते हैं, जैसे उस समय किस किस एरिए में, किस किस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या क्या मूवमेंट्स हुए थे, वे इसमें समझ में आता है। और इसी के साथ उसमें नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी में साउथ इंडियन के हिस्ट्री के बारे में भी पता चलता है। तो ये था हमारा पहला गिव रीजन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा बखर इज एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। अब बखर क्या होता है वो समझते हैं हम। बखर जो है वो मेडिवल पीरियड के टाइम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। अब बखर जो है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें उस समय के किंग्स की हिस्ट्री है, मतलब जितने भी राजा थे उनकी हिस्ट्री है, कितने बैटल्स लड़े गए, ग्रेट मेंस कौन कौन, ग्रेटेस्ट मैन उस टाइम पे आए, कौन कौन से हिस्टोरिकल इवेंट हुए, ऐसे बहुत सारे इसमें डॉक्यूमेंट्स और ट्रुथ हमें पता चलता है। और इसे एक मराठी लिटरेचर से लिया गया है, मराठी लिटरेचर में एक ऐसा इसके बारे में, यानी बखर जो है ये मराठी लिटरेचर से लिया गया है। जैसे कि इसका कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, सभासद बखर और पानीपतची बखर, यानी मराठी लिटरेचर में दो अलग अलग बखर बनाए गए हैं, एक है सभासद बखर और दूसरा है पानीपतची बखर। मतलब बखर इसलिए लिखे जाते थे ताकि उसमें उस समय के कुछ डॉक्यूमेंट्स को एज ए राइटिंग्स में डिस्क्राइब कर सकें।
फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग इन 25 to 30 वर्ड्स। पहला क्वेश्चन है, विच थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द डिस्क्रिप्शन बाय एम्परर बाबर इन हिज ऑटोबायोग्राफी। यानी बाबर ने जो उसकी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी उसका नाम था तजुक ई बाबरी, जिसमें उन्होंने उसमें उन्होंने जो बड़े बड़े बैटल्स लड़े थे, जो बड़े बड़े वॉर किए थे उनके राज्य में जब तक वो थे, उसके बारे में उन्होंने पूरा उसके अंदर पूरी तरह से डिस्क्राइब किया है। और वे मतलब जहाँ जहाँ जिस जिस कंट्री में गए, जितनी दूर तक उन्होंने जर्नी किया, जैसे कि वहाँ के कस्टम्स कैसे थे, वहाँ का ट्रेडिशन कैसा था, वहाँ का इकोनॉमी कैसा था, उसके बारे में भी उन्होंने उस अपने ऑटोबायोग्राफी में भी लिखा है। और ये ऑटोबायोग्राफी उनका पढ़ने के बाद उस समय की हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है कि उस समय के लोग कैसे होंगे, वहाँ का प्लेस कैसा होगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन था। अभी सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वतंत्र वीर सावरकर टू नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी। इसके पहले हम ये पढ़ चुके हैं, फिर भी इनके बारे में हम पढ़ते हैं। विनायक दामोदर सावरकर, जिनको स्वतंत्र वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी में अपना बहुत ही बड़ा योगदान किया। इन्होंने रीजनल हिस्ट्री को लिखा है, जो इंडियंस ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो स्ट्रगल कर रहे थे अलग अलग रीजन में, यानी पूरे ऑल ओवर इंडिया में इंडिपेंडेंस मूवमेंट चालू था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो उन्होंने जो भी उस समय लोग थे, इंडियन पीपल थे, उन्होंने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी, जो भी मूवमेंट्स किए, उसके बारे में इन्होंने नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी में अपना डिस्क्रिप्शन दिया है। और इसके वजह से अलग अलग साउथ, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया हम पीछे पढ़ चुके, साउथ इंडिया के हिस्ट्री के बारे में पता चला, और अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस के बारे में भी पता चला कि कहाँ कहाँ पे ऐसे ऐसे कैसे कैसे लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ कैसी कैसी लड़ाइयाँ लड़ी। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, जो डिटेल्ड आंसर लिखना है हमें क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। मार्क्सिस्ट थीरी जो है वो एक स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी से लिया गया है, जिसका मतलब जो किसी भी सोसाइटी में पर्टिकुलर जो भी इवेंट होता है उसके ऊपर उसमें डिस्क्रिप्शन लिखा गया है। जो मार्क्सिस्ट राइटिंग्स है वो किसी भी इंडस्ट्रियल रिलेशन या फिर किसी भी प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। इंडिया में जो मार्क्सिस्ट राइटिंग है वो कास्ट सिस्टम को मेन थीम बना के लिखा गया है, यानी कास्ट सिस्टम में कैसे चेंजेस होता है या फिर कैसे चेंजेस होगा आगे करके, वैसा कुछ इंडियन स्कॉलर्स थे जिन्होंने मार्क्सिस्ट मेथड को हिस्ट्री लिखने के लिए यूज़ किया, जैसे कि दामोदर धर्मचंद कोसाबी, रामशरण शर्मा, ऐसे डांगे, इन्होंने मतलब मार्क्सिस्ट मेथड यूज़ किया ताकि जो कास्ट सिस्टम था उसे ये लोग आगे लेके आ सके, जो पिछली मतलब जो भी कास्ट सिस्टम अलग अलग बनाया गया है उसके बारे में लोगों को बता सकें। कॉमरेड डांगे ने अपने एक बुक में लिखा है जिसका नाम है प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, उसमें उन्होंने मार्क्सिस्ट मेथड को एज अ हिस्ट्री के राइटिंग्स में लिखा है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इतिहासचार्य वी के राजवाड़े टू हिस्टोरियोग्राफी। इतिहासचार्य वी के राजवाड़े ने मराठी में अलग अलग टॉपिक्स पे हिस्ट्री लिखी है। उन्होंने कुछ बहुत सारे स्कॉलर वर्क्स, मतलब बहुत सारे उन्होंने राइटिंग्स को, अलग अलग बुक्स को उन्होंने एडिट करके वापस से लिखा। एडिट करके वापस से लिखना मतलब उसमें जो भी मिस्टेक्स हुई हैं या फिर उसे प्रूफ करके, मतलब उसमें जो भी ऐसा, मान लो कोई भी ऐसा वर्ड उसमें लिखा है या फिर कोई भी ऐसी पॉइंट लिखा है जो कि वहाँ पे नहीं होना चाहिए, मतलब वो रॉन्ग होगा, उसको उन्होंने राइट करके प्रूफ करके उसे वहाँ पे लिखा है। उन्होंने हिस्टोरियोग्राफी में अपना बहुत सारा मतलब कंट्रीब्यूशन दिया है, जैसे कि उन्होंने लोगों को ये सजेशन दिया कि लोगों को जिस प्लेस पे है, अगर उसको उसके बारे में, उस प्लेस के बारे में अगर ट्रुथ पता है तो उसको अपनी खुद की हिस्ट्री लिखनी चाहिए। उनके अनुसार जो भी हिस्ट्री है उसमें जो भी पहले के ह्यूमंस थे, उनकी सोसाइटीज़ कैसी थी, कैसा उनका वर्क था, कैसे वो काम करते थे, वो उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए। अगर हिस्ट्री लिख रहे हैं तो मेन उस समय की पब्लिक कैसी थी, उस समय का प्लेस कैसा था, वो उसमें इंक्लूड होना बहुत ही ज़रूरी है। और उनका ये भी मानना था कि जो हिस्ट्री है वो अलग अलग सोर्स से कलेक्ट करके फिर लिखना चाहिए, और वो सोर्स जो हो जो हमें मिलता है, जिसे जो लिखना है हिस्ट्री में जो यूज होगा लिखने के लिए, वो ऑथेंटिक और राइट ही होना चाहिए।
स्टूडेंट्स, जो हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, अगर आप यही क्वेश्चंस के आंसर अगर आप लिखते हैं तो ये राइट होगा, ये रॉन्ग नहीं होगा, कोई भी इसे रॉन्ग नहीं कर सकता। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को आप लिख सकते हैं और आप इसे लर्न कर सकते हैं। फिर हमारा सिक्स क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, यानी लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसके अंदर हम तीन क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। पहला है ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। ओरिएंटलिस्ट स्कूल जो है, ये जो इसमें अलग अलग यूरोपियंस, जो भी यूरोपियन सिविलाइजेशन के बारे में मोस्टली इसमें बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि अलग अलग कंट्रीज़ वाले, जैसे कि ईस्ट साइड के कंट्री, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए, उन्होंने जो भी बड़े बड़े काम किए उसे इसमें इंस्क्रिप्शन इसमें किया गया है। फिर बाद में जो भी स्कॉलर, मतलब जो भी इसके बारे में बताता है, जो भी ऐसे पुराने हिस्ट्रीज के बारे में बताता है, मतलब उस समय कौन कौन से बड़े काम हुए, यानी एंशेंट हिस्ट्री की यहाँ पे बात हो रही है, उन्हीं स्कॉलर्स को, जो भी उस हिस्ट्री को लिखते हैं, उन्हीं को बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट। और उनका मेन फोकस होता है संस्कृत लिटरेचर, वैदिक कल्चर और ट्रेडिशन। यानी ये संस्कृत लिटरेचर यानी सबसे एंशेंट लैंग्वेज बोला जाता है संस्कृत, और वैदिक कल्चर यानी सबसे ओल्ड कल्चर बोला जाता है वैदिक। तो इनका मेन काम रहता था कि किसी भी कंट्री के बारे में अगर ये हिस्ट्री लिख रहे हैं तो वहाँ का लैंग्वेज कैसा था, वहाँ का कल्चर कैसा था, वहाँ का ट्रेडिशन कैसा था, उसके बारे में लिखना। इनको, इन्होंने मतलब जो भी ओरिएंटलिस्ट थे, इनको यूरोपियन लैंग्वेज और संस्कृत के बीच बहुत सारी सिमिलरिटीज़ इनको मिलती थी। मतलब इनको, इन्होंने ऐसा बताया कि जो यूरोपियन लैंग्वेज है और संस्कृत, दोनों में बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है। और सबसे उनका ऐसा मानना था कि जो एंशेंट लैंग्वेज है वही इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का मदर बोला जाता है। मतलब एंशेंट लैंग्वेज के वजह से ही इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस बने हैं, जितने भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज हैं वो सबके सब एंशेंट लैंग्वेज से ही बने हैं, यानी जो भी संस्कृत लैंग्वेज था उसी से मान लो बने होंगे वे। फिर एक ओरिएंटलिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिच मैक्स मूलर, जिन्होंने संस्कृत लिटरेचर में अपना इंटरेस्ट दिखाया था और उन्होंने एक संस्कृत टेक्स्ट को भी उन्होंने ट्रांसलेट किया था, जिसका नाम दिया था उन्होंने, जिसका नाम था हितोपदेश। उसको उन्होंने ट्रांसलेट करके अपने लैंग्वेज में लिखा था ताकि लोग उसे समझ सकें। फिर सेकेंड क्वेश्चन है हमारा नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये पर्टिकुलर स्टेट के बारे में लिखा जाता है। अगर मान लो इंडिया के बारे में लिखा गया तो इंडिया का उस समय जो भी इंडिपेंडेंस के लिए इंडियन पीपल ने वॉर किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, उसके बारे में इसमें लिखा जाता है। मतलब नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी अगर लिखा जा रहा है तो इंडिपेंडेंस के लिए जो भी इंडियन पीपल ने जो भी वॉर किए, जो भी उस समय पे मूवमेंट्स आए, और इसमें जो भी बड़े बड़े जितने भी जितने भी लोग आए जिन्होंने इसके लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लिखी, उसके बारे में इसमें मेंशन होता है। और एंशेंट नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी का जो मेन एम था वो था कि एंशेंट हिस्ट्री को लोगों के सामने लाना, और इंडिया का जो गोल्डन एरा था, यानी जो इजिस्ट में इंडिया बहुत ही रिच कंसिडर किया जाता था, वो भी लोगों को पता चले। तो कुछ स्कॉलर्स आए, कुछ हिस्टोरियन आए जिन्होंने इस नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी को आगे बढ़ाया, जैसे कि महादेव गोविंद रानाडे, विनायक दामोदर सावरकर, राधा कुमुद मुखर्जी, और ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने इस हिस्ट्री को, यानी नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी को आगे बढ़ाया। सिर्फ और उस समय जो ब्रिटिशर्स के कुछ ऑफिसर थे उन्होंने भी हिस्ट्री लिखी थी, लेकिन वो हिस्ट्री को इन्होंने अपोज किया और इन्होंने बोला कि वो हिस्ट्री जो भी लिखी गई है वो गलत है। इन्होंने अपना हिस्ट्री, जो भी इंडिया का जो रियल हिस्ट्री था, जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट से इन्होंने लिया था, उसे लोगों के सामने इन्होंने लाया। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज है वो सबल्टर्न हिस्ट्री। सबल्टर्न हिस्ट्री का मतलब होता है कि जो भी बॉटम मोस्ट रैंक में आते हैं उनके बारे में जो हिस्ट्री लिखी है। बॉटम मोस्ट रैंक का मतलब सबसे नीचे जाति वाले जो लोग होते हैं उनके बारे में भी हिस्ट्री में मेंशन होना चाहिए, तो उनके लिए सबल्टर्न हिस्ट्री बनाया गया। एंटोनियो ग्राम्सी, जिन्होंने बॉटम मोस्ट रैंक, मतलब सोसाइटी के जो भी बॉटम मोस्ट रैंक थे उनको हिस्ट्री में इन्होंने कंसिडर किया, मतलब
पहले जो छोटी जाति वाले होते थे, लोअर कास्ट वाले होते थे, उनको हिस्ट्री में कंसिडर नहीं किया जाता था। सबसे पहले एंटोनियो ग्रामसी आया जिन्होंने हिस्ट्री में इन्हें लिया। और सबल्टर्न स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी बनाया गया है जिसमें जो भी जो लोअर कास्ट के पीपल होते हैं उनको इसमें मेंशन किया जाता है। फिर एक आए जिनका नाम था रंजीत गुहा, जिन्होंने जो ये सबल्टर्न स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी है इसमें अपना इन्होंने राइटिंग्स दिया है, यानी इन्होंने अपने इसके लिए इन्होंने इसके इसमें इन्होंने अपना हिस्ट्री लिखा है जिसमें इन्होंने बॉटम मोस्ट रैंक्स को इन्होंने कवर किया है। फिर बाद में से बहुत सारे स्कॉलर्स आए जैसे थे कि एक महात्मा फुले, जिन्होंने भी बॉटम मोस्ट रैंक को बढ़ावा दिया। आपको आप महात्मा फुले के बारे में आप पढ़ चुके हैं, महात्मा फुले यानी कि इन्होंने पिछड़ी जाति यानी लोअर कास्ट को भी इन्होंने आगे बढ़ाने का बहुत ही ट्राई किया था। फिर दो टर्म्स बॉटम मोस्ट रैंक में यूज किए जाते हैं, एक है शूद्रास और एक है अतिशूद्र। यानी जो बी आर आम्बेडकर थे इन्होंने सबल्टर्न स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी में एक बुक लिखा था जिसका नाम दिया था हु वर कॉल्ड द शूद्रास और दूसरा था द अनटचेबल। मतलब इसमें इन्होंने शूद्रास और अतिशूद्रास के बारे में इन्होंने अपना राइटिंग्स लिखा था, यानी हिस्ट्री उसके ऊपर इन्होंने लिखा था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारा ये चैप्टर था, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट आप पूरे टेक्स्ट बुक को भी आप एक बार आप पूरा पढ़ सकते हैं। टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के थ्रू या फिर अगर मेरा व्हाट्सअप नंबर है आप उसके थ्रू भी आप पूछ सकते हैं। मुझे सिर्फ इसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे, पूरे बुक को पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इसलिए मैंने इसके क्वेश्चंस को ही मैंने कवर किया है और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के आंसर के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू या फिर मेरे नंबर के थ्रू आप मैसेज करके या फिर कमेंट के थ्रू आप या फिर अभी लाइव चैट चालू है उसमें भी आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल नहीं भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो और इस वीडियो को आप अपने अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी हेल्प मिले और वे भी इस लॉकडाउन में पढ़ सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।